खबरदार, किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की, सब अपनी औकात में रहें। किसी ने साबिक सिपा सालार को बुरा भला कहा तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरी पार्टी बोलेगी। परवेज इलाही कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। इमरान खान ने मेरे साथ बैठकर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ बातें करके बहुत ज्यादती की। क्या ये खुद को अवतार समझते हैं? ऊपर से आए हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा हमारे मोहसिन हैं। तहरीक इंसाफ एहसान फरामोश न बने। वजीर आला पंजाब का दो टोक मौकिफ। पीटीआई के 99% अरकान असेंबलियां तोड़ने के खिलाफ है। परवेज इलाही की जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तारीफ, शहबाज शरीफ पर तनकीद। कमर बाजवा के साथ झगड़ा मेरी जात का नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इक्तदार में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके वो न्यूट्रल रहेंगे। असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराना न्यूट्रल्स का इम्तिहान है। दोबारा इक्तदार में आए तो उनका एहतसाब करेंगे, जो खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। कायनात का बदतरीन शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इमरान खान की CPNE के वफ्द से गुफ्तगू। इमरान खान का असेंबलियां तोड़ने का ऐलान, पंजाब की सियासत में हलचल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का बरामद, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी इस्तेहकाम मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए जरूरी है। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक।